सब्सक्राइब कीजिए रघुखाना फिटनेस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट न्यूट्रिशन और फिटनेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज योर फ्रेंड रघुखाना। आप देख रहे हैं रघुखाना फिटनेस। तो कैसे हो आप लोग? तो भाई लोगों, आज का जो टॉपिक है काफ़ी लोगों के लिए मददगार साबित होने वाला है, काफ़ी लोगों की शायद इससे हेल्प होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी एक तरह से ना मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि सर आप बताइए हम ये चीज़ को कैसे सॉल्व करें, हम कैसे इस चीज़ से छुटकारा पाएं और कैसे हम इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। तो मैं आपको बताता हूँ ये टॉपिक कौन सा है। बेसिकली क्या है कि आजकल जो हमारा फिटनेस की तरफ रुझान बढ़ रहा है, हर कोई फिटनेस की तरफ जा रहा है, उसमें ज़्यादातर क्या है कि स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कई ऐसे हैं कि जो अपनी फैमिली से पैसे नहीं मांगना चाहते सप्लीमेंट से, या उनकी फैमिली मना कर देती है, काफ़ी इश्यूज होते हैं उनकी फैमिलीज में। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनका बजट थोड़ा होता है तो वो बाय करते हैं रॉ वे प्रोटीन। आपको पता है कि जहां आपको फ्लेवर्ड वे प्रोटीन 1 kg का 1400-1500 रुपये में मिलेगा, वहां आपको रॉ वे प्रोटीन 900 रुपये में भी मिल सकता है और 1100-1100 रुपये तक आपको मिल जाता है। तो आपके 400-500 रुपये सीधा बच जाते हैं। एज ए स्टूडेंट अगर आपके 400-500 रुपये भी बचते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। सो गाइस, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है, मेरे सब्सक्राइबर के मुझे मैसेज आए कि सर हमें बताइए आप कैसे एंजॉय करते हो इस चीज़ को, हमें भी एंजॉय करना है क्योंकि हमारा बजट इतना है। तो आज का टॉपिक है रॉ वे प्रोटीन के ऊपर कि आप अपने रॉ वे प्रोटीन को टेस्टी कैसे बना सकते हो। सबसे पहले कहते हैं माफ़ी मांगूंगी, आज मेरे पास माइक नहीं है, मेरा माइक शायद घूम गया है, तो शायद आपको आसपास से थोड़ी साउंड की डिस्टर्बेशन आ सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, रॉ वे प्रोटीन क्या होता है कि कोई भी फ्लेवर नहीं होता, कोई इसमें शुगर नहीं होती, तो कोई इसका टेस्ट नहीं होता। तो इस वजह से मैं रॉ वे प्रोटीन कभी नहीं पीता। अगर मेरे पास आता है तो मैं अपने फ्रेंड को किसी को दे देता हूँ, एक स्कूप यूज़ करता हूँ आपके सामने आपको दिखाने के लिए वीडियो में। कई बार होगा कि मैंने 1 आध किलो यूज़ किया होगा किसी ब्रांड का, बट मैं खुद रॉ वे प्रोटीन यूज़ नहीं करता हूँ, थोड़ा से पैसे दार डाल के मैं फ्लेवर को ही प्रेफर करता हूँ। बट मुद्दा है कि आप इसे, कई लोग रॉ वे प्रोटीन ही यूज़ करते हैं, तो आप उसको टेस्टी कैसे बना सकते हैं? तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कुछ आइडियाज़ जिससे आप अपने रॉ वे प्रोटीन को टेस्टी बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या सबसे पहले एक चीज़ है, आप अपने रॉ वे प्रोटीन में क्या मिक्स कर सकते हो? आप मार्केट में जाइए, वहाँ से आप स्टीविया ले सकते हो। स्टीविया एक स्वीटनर होता है, नेचुरल होता है, उससे आप क्या कर सकते हो कि वो आपकी उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होती, उसको आप अपने वे प्रोटीन में अपने स्वाद अनुसार मिक्स करके उसमें मिक्स करके आप उसको पी सकते हो। आपका फ्लेवर थोड़ा हो जाए, फ्लेवर नहीं होगा बेसिकली, आपका वे प्रोटीन थोड़ा स्वीट हो जाएगा। तो आप अगर जो आपको बकपका सा टेस्ट लगता है वो आपको नहीं लगेगा और आप स्टीविया की वजह से अपना वे प्रोटीन इन्जॉय कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप उसमें कोका पाउडर मिक्स कर सकते हो। कोका पाउडर एक चॉकलेट की तरह टेस्ट करता है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप 1 किलो में 50 से 70 ग्राम तक अगर आप कोका पाउडर ऐड करोगे तो आपका वो वे फ्लेवर बन जाएगा। एग्जैक्ट सेम वैसा नहीं बनेगा जैसा आपको दूसरे ब्रांड्स का फ्लेवर वे मिलता है, बट आप उसको पीने लायक बना सकते हो, कुछ हद तक उसका टेस्ट अच्छा हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन है कोका पाउडर। तीसरा ऑप्शन है कि आप अपने वे प्रोटीन, अगर आप गेनिंग फेज में हो और अगर आप कैलोरीज की चिंता नहीं करते, तो आप अपने वे प्रोटीन, रॉ वे प्रोटीन के साथ उसमें आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, जैसे ब्लूबेरीज ऐड कर सकते हो, बनाना ऐड कर सकते हो, आप उसमें चीकू ऐड कर सकते हो, पपाया ऐड कर सकते हो, ग्राइंड करके आप बना सकते हो, ब्लेंड करके इजिली आपका टेस्टी वे प्रोटीन बन जाएगा। डिपेंडिंग कि आप कौन सा फ्रूट उसमें ऐड करते हो, उस हिसाब से उसमें कैलोरीज भी ऐड हो जाएंगी, ठीक है गाइस। और वैसे भी मैं मानता नहीं हूँ कि चाहे आप गेनिंग पे हो चाहे आप कटिंग पे हो, आपके दिन की ओवरऑल कैलोरीज मैटर करती हैं कि आप कितनी ले रहे हो। और अगर आप कटिंग पे भी हो तो अगर आप अपने जिम के बाद रॉ वे प्रोटीन में अगर आप फ्रूट ऐड करते हो तो उतनी कैलोरीज आप अपने पूरे दिन में अगर लाइक सेट कर लेते हो कि मैनिपुलेट कर लेते हो कि आपको इतनी कैलोरीज आपकी भी बची हैं तो उसमें आपको गुजारा करना है, तो आपके लिए कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है गाइस। और चौथी चीज़ है कि आप, कई लोग क्या करते हैं, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसमें शुगर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, बट आप अगर हल्का सा मिलाना चाहो तो आप अपने रॉ वे प्रोटीन में बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स का 1 चम्मच मिला सकते हो। ध्यान रहे आपको 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं मिलाना क्योंकि इसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। 1/2 स्पून से आप 1 स्पून तक मिला सकते हो, तो ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, आपको एक चॉकलेटी टेस्ट प्रोवाइड करेगा और साथ में स्वीटनेस भी देगा। और गाइस फाइनली लास्ट में पांचवा आइडिया ये है, ट्रिक ये है कि जो मेरा फेवरेट है, जब भी मैंने रॉ वे प्रोटीन यूज़ किया तो कैसे किया, वो ऐसे किया कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो आप 1 kg अनफ्लेवर बाय कर लीजिए, 1 kg आप फ्लेवर वाला बाय कर लीजिए, उन दोनों को मिक्स कर लीजिए, आपका 2 kg वे प्रोटीन बन जाएगा, वो भी फ्लेवर वाला।
आपको पता है कि जितना आपका फ्लेवर वाला टेस्टी होगा उतना टेस्टी नहीं बनेगा, बट आपका क्या है कि आपकी प्रोटीन क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, 2 kg हो जाएगा और एक न्यूट्रल सा टेस्ट हो जाएगा। आपका जो फ्लेवर वाला सेम वैसा टेस्ट नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कम टेस्ट होगा, बट रॉ वे प्रोटीन के जैसा नहीं होगा, उससे तो काफी अच्छा बन ही जाएगा। तो ये मेरा तरीका था, मैं ऐसे पीता आया हूँ अपने रॉ वे प्रोटीन को मिक्स करके जितनी बार मैंने पिया। और सो गाइस, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, मैंने आपको 5 टिप्स बता दिए हैं। और अगर आप गेनिंग में हो तो एक और आइडिया है कि आप इसमें दूध मिक्स करके दिन के, अगर आप वर्कआउट के बाद नहीं, दिन के किसी भी टाइम आप दूध मिक्स करके उसमें अपना बॉर्नविटा और साथ में फ्रूट्स और साथ में रॉ वे प्रोटीन डाल के आप पी सकते हो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। कोई और भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बता देना, वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल थी या नहीं, तो वो भी नीचे कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू गाइस।